अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिगर दही का रायता, जो बहुत ही आसानी से और अलग तरीके से बनाई है मैंने। यहाँ पे मैंने एक बड़ा कप छाछ ले लिया है, मैंने गाढ़ी वाली छाछ लिया है, आप कोई भी छाछ ले सकते हो। और 2 बड़े चम्मच बूंदी ले लेना है, सादी वाली बूंदी जो मिलती है वो ले लेना है। हरा धनिया इसे बारीक बारीक काट लेना है, 5 से 6 काली मिर्च, 2 लौंग, 8 से 10 लहसुन की कलियां ले लेना है, 1 छोटा चम्मच हमें जीरा ले लेना है, काला नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ले लेना है। हम तवा गरम करेंगे, जब हमारा तवा गरम हो जाएगा तो उस पे जो हमने लहसुन की कलियां ली थी वो डाल देंगे। लहसुन की कलियां डालने के बाद हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, हमें स्लो आँच पे ही इसे ड्राई रोस्ट करना है, इसे भुनना है स्लो आँच पे, आँच तेज़ नहीं करनी है, इसे हम बीच बीच में चलाते जाएंगे स्लो आँच कर। देखिए थोड़ी देर बाद हमारा हो गया है लहसुन भुन के, हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब जो हमने मसाले लिए थे, जीरा, लौंग, काली मिर्च, वो डाल देंगे। इसे डालने के बाद इसे हम भून लेंगे, स्लो ही आँच रखनी है, तेज़ नहीं। 2 मिनट भूनने के बाद हम गैस बंद करेंगे, तवे की गर्माहट से बाकी जो है वो भी अच्छे से हो जाएगा, ठंडा होने देंगे हम इसे थोड़ी देर के लिए। जब ठंडा हो जाएगा हमारा ये जो हमने भुना था, तो हम इसे एक उसमें पीसने वाले में डाल के हम इसका क्रश कर लेंगे। देखिए मैंने क्रश कर लिया, अब क्रश किया हुआ मैंने इस छाछ में डाल दिया है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें काला नमक, हमने जितना भी इसको क्रश किया था सब डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे और इसे डाल के अच्छे से हम चला लेंगे, हमें अच्छे से चला लेना है ताकि सब मिक्स हो जाए। देखिए हमने चला लिया और अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। अब हम इसमें बूंदी डाल देंगे, जो हमने बूंदी ली थी उसमें से आधी बूंदी डाल देना है इसमें, फिर अच्छे से चला लेना है। हमें सफ़ेद नमक नहीं डालना है, हमने काला नमक डाला था। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे डाल के अच्छे से चला लेंगे। देखिए यहाँ पे डाला है और इसे अच्छे से ने चला लिया है। जितने आसानी से बनता है ये रायता उतना ही अच्छा होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किए। देखिए हमारा रायता तैयार है, फिर थोड़ा जो धनिया हमने बचाया था वो डाल देंगे और बूंदी डाल देंगे, तैयार है।